रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत नौढ़िया गांव में बीते महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के लिए घर से निकले बीजेपी नेता की धारदार हथियार से हत्या करने वाले 5 नामजद आरोपियों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 10,000 का इनाम भी घोषित किया था, जिसके बाद से आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही है। दरअसल शिवरात्रि के दिन बीजेपी नेता मंदिर जाने के लिए घर से निकले थे, तभी अचानक रास्ते में बाइक सवार 5 बदमाशों ने नेता के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिन्हें अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था।